हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर दो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस और दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो जो पहले प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, इसके अंदर हमें सबसे पहले चार्ज की, एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू पता होना चाहिए। तो एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला गया था और उस चार्ज की वैल्यू थी 1.6 × 10⁻¹⁹। इसे एक्चुअली माइनस में दिया जाता है, ठीक है, याद रखो आप, −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कूलम है चार्ज की यूनिट, ठीक है। तो हमें क्वांटाइजेशन पढ़ना है। क्वांटाइजेशन मतलब होता क्या है? ये प्रोसेस होता है जहां पे चार्ज को एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जाता है तो उसे एक सर्टेन लिमिट के अंतर्गत ही ट्रांसफर करना होता है, मतलब इंटीग्रल के अंदर ट्रांसफर करना होता है। और इस इंटीग्रल का जो फॉर्मूला होता है उसे हम कहते हैं q = ±ne। q मतलब क्या? q मतलब होता है चार्ज, प्लस और माइनस साइन है। जो बॉडी, जिस बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होता है अगली बॉडी पे, उस बॉडी पे चार्ज क्या हो जाता है? पॉजिटिव। और जो बॉडी चार्ज लेता है उस पे चार्ज क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे n मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर मतलब 1, 2, 3 ऐसे नंबर्स। और e मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू, जो कि मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से आई है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या? ट्रांसफर, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब जब भी बॉडी से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, यानी 1e 2e 3e ऐसे होगा, ठीक है। इसे हम समझते हैं यहां पे एग्जाम्पल से। मान लो ये एक बॉडी है ए, ये बॉडी है बी। अब जब ये बॉडी दोनों इनिशियल स्टेट पे रेस्ट पर है, अब हमने ये बॉडी को क्या किया, इसमें फ्रिक्शन, इनको दोनों को रब किया, तो इससे क्या हो गया? इनमें फ्रिक्शन जनरेट हुआ। अब फ्रिक्शन जनरेट होने का मतलब क्या है? इस बॉडी से इस बॉडी पे चार्ज क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो ये चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा पहले देखते हैं। अगर हमने ट्रांसफर किया तो रब किया, तो मान लो यहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहां पे आया इस बॉडी पे, तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने का मतलब क्या है? एक एलिमेंट्री चार्ज का ट्रांसफर होना। एक एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू क्या थी? −1.6 × 10⁻¹⁹। मतलब जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर हुआ तो इस पे क्या चार्ज हो गया? इस बॉडी ने चार्ज दिया ना, तो इस बॉडी पे चार्ज क्या आ गया? प्लस आ गया, ठीक है। और इस बॉडी ने, इस बॉडी पे चार्ज आया तो इस बॉडी पे चार्ज कितना आ गया? −1.6, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू क्या थी? −1.6 थी। तो यहां पे जब −1.6 इस बॉडी पे आ गया, ठीक है, तो यहां से तो चार्ज इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इस पे क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। और यहां पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। ऐसे ही 1.6। अब मान लो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो दो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने का मतलब क्या है? 2 × 1.6, समझ में आ रहा है? 2 × 1.6 तो कितना हो जाएगा? 3.2 × 10⁻¹⁹। तो यहां पे +3.2 आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा −3.2। ऐसे ही मान लो हमने 5 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर यहां से इस बॉडी पे ट्रांसफर हुआ तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? 5e। तो 5e को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, −8। और इस पर कितना हो जाएगा? +8, ठीक है। अब अगर मान लो, अगर ऐसा किसी आ गया कि 2.9e नहीं होगा, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब 1e 2e 3e, तो 2.9 इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, 2.9 चार्ज होगा ही नहीं ट्रांसफर, ठीक है। चाहे 2.9 ले लो या 4.5 ले लो, ऐसे नहीं होगा, हमेशा 1, 2, 3 ऐसे नंबर के ही चार्ज क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो 2.5 ये भी नहीं होगा, 8.5 ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे चार्ज ट्रांसफर नहीं होते, हमेशा चार्ज कैसे होगा? इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर ही होगा, 1e 2e 3e। तो इसी प्रोसेस को, जिसमें
चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, ठीक है, और किस फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग प्रोसेस को, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या, हम कोई भी फिजिकल प्रोसेस या आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर कर ले। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जहां पे ना तो मास और ना तो एनर्जी बाहर जाती है, ना तो मास और ना तो एनर्जी बाहर जाती है, ठीक है। तो इस सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा ना तो क्रिएट होगा ना तो डिस्ट्रॉयड होगा, ठीक है। ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम कैसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है जहां पे ना तो मास और ना तो चार्ज क्या होगा, बाहर नहीं जाता, वहीं पर रहता है, उसी सिस्टम के अंदर रहता है। तो ऐसे सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड और नॉर कैन बी क्रिएटेड। इसका मतलब उस सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। तो क्या होगा, कंजर्व होगा। तो वही ये लॉ बताता है कि एनी फिजिकल प्रोसेस एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हेंस टोटल चार्ज विल रिमेन कंजर्व। अभी इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मैंने एक सिल्क का कोई क्लोथ ले लो आप, यहां पे कोई भी एक ग्लास रॉड ले लो। अब जब हम इस ग्लास रॉड को इस सिल्क पे हम क्या करते हैं, रब करते हैं। रब करने से क्या होगा, इस ग्लास रॉड से चार्ज कहां ट्रांसफर होगा, इस सिल्क पे ट्रांसफर होगा। अब मान लो यहां पे ग्लास रॉड से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो ग्लास रॉड पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया, यहां पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और सिल्क पे चार्ज जा रहे हैं तो सिल्क पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जितना चार्ज ग्लास रॉड से सिल्क पे ट्रांसफर होगा, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहां पे आए हैं उतना ही यहां पे पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा, क्रिएट होगा। इसका मतलब दोनों सिस्टम का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या एक तरह का हम क्या बोल सकते हैं, कंजर्व हो जाएगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो गए उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या हुए होंगे, ट्रांसफर हुए होंगे। बस आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 6 पॉजिटिव चार्ज दे दिए, मतलब 6 बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6, तो यहाँ पे कितने चार्ज क्रिएट हो गए पॉजिटिव, 6। तो इसका मतलब टोटल चार्ज कितना हो गया सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का, कंजर्व हो गया, ठीक है। इसका मतलब वही लिखा है कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन ग्लास रॉड जो यहाँ पे बन गए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से, इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज ऑन द सिल्क जो रब करने के बाद सिल्क पर आ गया। इसका मतलब जो सिस्टम में जो टोटल चार्ज प्रोसेस हो रहा है वो क्या है, जीरो। नेट चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसी को रबिंग प्रोसेस, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का एग्जाम्पल। तो आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई होगी। सीईटी एग्जाम के लिए जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस है प्लस माइनस एनी का, ये फॉर्मूला याद रखो, कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया जा सकता है। सेफ फॉर्म में बता दूं, जैसे एग्जाम्पल के लिए इतना चार्ज, नेट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस विल बी ट्रांसफर नॉट ट्रांसफर ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस। एग्जाम आपको ऑप्शन दिया रहेगा 1E, 2E, 3E, 4.5E, आपको क्या बताना है कि कौन सा चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा, 4.5E। क्यों, क्योंकि ये इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है, ये 1E इंटीग्रल फॉर्म में है, 2E इंटीग्रल फॉर्म में, और 3E भी इंटीग्रल फॉर्म में, तो ये 4.5 इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है, इसीलिए ये चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस खाली डेफिनेशन याद रख लो अपने 11th स्टैंडर्ड के लिए। तो आई होप ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।